हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना राहुल और आज फिर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम अपने घर में पुराने एंड्रॉयड फोन को यार हम बेचने जाते हैं तो क्या मिलता है 800,000 रुपए। उस पुराने एंड्रॉयड फोन को आज मैं आपको लाइव सीसीटीवी कैमरा बना के दिखाऊंगा मात्र 2 मिनट में। आप वीडियो देख के समझ चुके होंगे कि मैं आज आपको लाइव सीसीटीवी बना के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसके लिए जो बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपके पास जो है घर में कोई पुराना कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो, पुराना एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। और उसके बाद आप अगर आप इसे हमेशा 2400 घंटे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लंबी चार्जिंग केबल चाहिए होगी जिससे आपका फ़ोन हमेशा चार्ज होता रहे। और उसके बाद जो हमें बस एक फ़ोन चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका जो है लाइव सीसीटीवी कैमरा बनके तैयार हो जाएगा। लव यू सैतना। और अगर आप 2400 घंटे ना यूज करके जैसे आप अपना रूम घर पे छोड़ के जाते हैं, आप 1-2 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको उस 1-2 घंटे में देखना है कि कौन कौन मेरे रूम में गया था, कोई आया भी था या नहीं आया था, तो उसके लिए आपको जो फोन चार्ज नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी सीक्रेट लोकेशन पे अपने फोन को सेट करके और मेन गेट पे आप देख सकते हैं कौन आपके रूम में अंदर गया है और कौन बाहर गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को कैसे पूरा कंप्लीट करना है और आपको इसका लाइव टेस्ट करके भी मैं दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आने के बाद हमें सर्च करना है आईपी कैमरा। आईपी कैमरे का लोगो देख लीजिए, ये आईपी कैमरा सर्च करते हैं। देखिए मैंने इसे जो अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है आपको भी इसे इंस्टॉल करना है। और वीडियो प्रेफरेंस में आप सेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, वीडियो का रेजोल्यूशन स्टोरेज वगैरह कहाँ रखनी है ये आप चेक कर सकते हैं। हमें आना है कनेक्शन सेटिंग में। कनेक्शन सेटिंग में जब आएंगे तो क्लाउड स्ट्रीमिंग एक्टिव इसमें हमें ओके करना है। तो दोस्तों दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट या लॉगिन। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप इसमें लॉगिन करिए, जैसे कि मैंने अपना देखिए पहले से ही लॉगिन कर रखा है। और क्रिएट अकाउंट में भी कुछ नहीं करना, आपको जो है अपना जीमेल एड्रेस और एक आपको अपना पासवर्ड बना लेना जिसे आपको याद रखना है। तो ये देखिए मेरी जो लॉगिन आईडी है, मैं अपना जो है मेरा जीमेल अकाउंट, मैं अपने उस जीमेल अकाउंट को इसमें एंटर कर रहा हूँ और जो मैंने अपना पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को जो है बस खाली इसमें एंटर कर दूंगा। और ध्यान रखिए दोस्तों हमें क्लाउड स्ट्रीमिंग एक्टिव करना है, इसमें चेक लगाना है। ये देखिए मैं पासवर्ड डाल के जो अपना इसमें लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं लॉगिन हो गया, यहाँ पे लिखा आ गया है कि इनकोडर टेस्ट सक्सेसफुल। उसके बाद देखिए यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, मैंने लॉगिन इन कर लिया दोस्तों। अब इसके अलावा हम तो अब हमें इस फोन में कुछ भी नहीं करना है, ये फोन हमारा निगरानी करेगा, जो सीसीटीवी बनेगा। एक फोन आपके पास जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं आपके पॉकेट में रहता है, उस फोन में एक एप्लीकेशन डालना, उसका नाम है IVI Dion करके वो एप्लीकेशन है। अब आइए मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ कैसे लॉगिन करना है और आप कैसे देखेंगे पूरा लाइव सीसीटीवी। तो ये देखिए वो जो हमारा फोन जो वहाँ सीसीटीवी बना हुआ है उसकी हमने जो अपनी उसमें लॉगिन आईडी क्रिएट अकाउंट करके उसमें लॉगिन कर लिया। अब ये हमारा दूसरा फोन है, इसमें ये देखिए मैंने IVI Dion करके ये मैंने एप्लीकेशन डाला हुआ है। बस इसको क्या करना है हमें, ओपन करना है। ये देखिए अब ये जो एप्लीकेशन है मेरा ओपन हो रहा है। और ओपन करने के बाद सेम वही आईडी जो आपने क्रिएट अकाउंट में अपना जीमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड डाला था उसी को सेम इसमें जो है लॉगिन करना है। ये देखिए मेरा पहले से ऑलरेडी लॉगिन है। और ध्यान रखिएगा आपके यहाँ जो अभी आप ये मतलब जहाँ सीसीटीवी लगेगा वहाँ पे थोड़ा आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा ठीक हो, जो आपकी नेट की स्पीड है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो लाइव है वो ठीक तरीके से देख सकें। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो कैमरा सेट किया हुआ था अपने गेट के पास, अभी देखिए पूरा लाइव चल रहा है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे रूम में कोई अंदर है, कौन गया है कौन नहीं गया, ये सारी रिकॉर्डिंग आप जो है अपने स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहे आप अपने फोन में मात्र 2 मिनट के अंदर देख सकते हैं कि आपके रूम में कोई है या नहीं है। दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी मुझे बताइएगा। कुछ नहीं करना है उस वाले फोन में जिसे हमने सीसीटीवी बनाया हुआ है, उसमें क्या करना है हमें जाके बस क्रिएट अकाउंट करके लॉगिन करना। उसके बाद जो सबसे नीचे का ऑप्शन था स्टार्ट सर्वर, स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करने के बाद एक हमने दूसरा फोन लिया, उस फोन में बस वही सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड IVI Dion करके एक एप्लीकेशन डाला, उसमें सेम वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर किया। और एंटर करते ये देखिए हमारे इस फोन में पूरा लाइव जिसे हमने वहाँ सीसीटीवी बना रखा है वो हमारे इस फोन में पूरा लाइव आ रहा है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, थोड़ी इंटरनेट स्पीड मैं कहूँगा अगर 4G है तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी और जो वीडियो है बीच बीच में रुकेगा नहीं। तो देखिए हमारा दोस्तों ये फोन है जिसको मैंने सीसीटीवी बना रखा है। और ये देखिए अगर मैं इसमें बैक आ जाता हूँ, ये देखिए मैं इसे बैक कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये देखिए ये एप्लीकेशन था वो। अब ये क्या किया था हमने, यहाँ पे क्लाउड स्ट्रीमिंग पे गए थे हम लोग, तो ये हमने क्लाउड स्ट्रीमिंग पे क्लिक करके देखिए मैंने अब जो अपना आईडी पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे है
ये देखिए यहाँ पे लॉग इन कर रखा है, उसके बाद यहाँ बैक आ जाता हूँ वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये देखिए स्टार्ट सर्वर, स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करना है और ये देखिए हमारा जो ये कैमरा है ये जो है हमारा स्टार्ट हो गया। दोस्तों आपने हमने वहाँ पे अपने एक फोन को सीसीटीवी बना रखा है और एक फोन से हम उसे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं पूरा जो है लाइव अपने फोन पे, कहीं भी हम रह गए अपनी लोकेशन पे देख सकते थे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, और मैं कहता हूँ यार इसको पहले करके देखो, इस आप इस जो लाइव सीसीटीवी कैमरा है इसे बनाकर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यार मुझे कमेंट करें, मैं बैठा हूँ यार। और भाई साहब मैं कह रहा हूँ मस्त ट्रिक है यार, अगर कोई पुराना एंड्रॉइड फोन होता है यार अपने रूम में लगा दो यार, तो यार सीसीटीवी बना दो, क्या बोला दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए।